आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी मेरी बेटी रविंदर की, नहीं नहीं रावी की, नहीं नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। अरे जब से तुम्हारे पापा ने तुमको ये मोबाइल लेके दिया ना, तब से इसी से चिपकी रहती हो, काहे कुछ करती नहीं। कर रही हूँ ना। क्या कर रही हो? खेल रही हूँ मोबाइल में। अरे पटना छपरा और अब बुद्धि कहाँ है तुम्हारा? वो रविंदर कितना सारा पढ़ता है, अम्मा सबके सामने उसकी तारीफ करते थे। तो आप क्यों नहीं करती? का उसकी तारीफ? नहीं हमरी। अरे तुम काहे कुछ ऐसा नहीं करती कि हम तोरा तारीफ करें? अम्मा पढ़ाई हमसे नहीं होगी। अरे पढ़ाई तो तोरी अम्मा भी नहीं कर सकती, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि वो अमृता का सर नीचा हो जाए। हाँ मतलब? मतलब उन बच्चन की ये परेशानी है कि उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए कहा जाता है, और कौन बच्चा पढ़ना चाहता है? कौन है? अरे तुम भी ना एकदम बुड़बक हो, बुद्धि ही नहीं है। अरे तुम उन बच्चन को इस खेल से बहका सकती हो, माने इस बुड़बक खेल से, समझी के नहीं? से कैसे? बता थे, इधर आओ तुम, ये पकड़ो और यहाँ खड़ी हो आराम से, और सुनो भी। ध्यान दे, हिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तू जवाब दे। ओके पूछ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पतंग उड़ा रहे हैं घर के अंदर। पतंग मुझे भी सिखाओ ना। अरे जैमी दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ाई? चाचा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ चुपचाप। भारत की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। दिल्ली। दूसरा सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? चाचा नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो जमी हम पर डिस्टर्ब मत करो। जेमी ये बता, तूने इतना सब कुछ कैसे पढ़ लिया? तू तो पूरे दिन खेलते रहती है। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? तूने स्कूल जाना छोड़ दिया क्या? नहीं, जब हर आंसर एक क्लिक पर मिल जाता है तो पढ़ने की क्या जरूरत है? बोलो बोलो। नहीं समझे? इजी है। देखो रविंदर, तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसका जवाब मैं एक सेकंड में अपने मोबाइल में ढूंढ लेती हूँ। कैसे जानते हो? अभी तुमने पहला सवाल क्या पूछा था? कि भारत की राजधानी कौन सी है? देखो देखो आंसर आ गया, दिल्ली। तो क्या हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है? तुम लोग की मर्जी, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर जवाब का मतलब? हर जवाब का मतलब तुमने देखा नहीं? बताओ हम लोग किताबें नहीं पढ़ेंगे? नहीं। ओए बल्ले बल्ले, किताबें नहीं पढ़ेंगे हम, किताबें नहीं पढ़ेंगे हम, किताब पढ़ने की जरूरत है, किताब की हो रहा है? आंटी कहने का मतलब है कि हम मोबाइल पर किताब भी पढ़ सकते हैं। अच्छा वो तो ठीक है पुत्र, पर पढ़ाई भी जरूरी है। इसमें क्रिकेट भी है? विराट के सिक्स भी। ये लो। वाह। फोर सिक्स फोर यस सिक्स यस फोर
पटना चपरारा काम कर दियो तुम हमारा। हाँ अम्मा, उस उल्लू रोहन को मैंने जब मैच दिखाया तब ऐसा मुंह बनाया था एकदम बकलोल के जैसे, और वो छुटका सरदरवा वो तो डांस करने लगा ऐसे, ओ बले बले ओ बले बले ओ बले बले ओ बले बले। अरे पढ़ाई लिखाई सब भूल गए ना एकदम से। अब आएगा मजा, मोबाइल का नशा उन पर चढ़ जाएगा और पढ़ाई लिखाई सब भूल जाएंगे और किसी के काबिल नहीं रहेंगे, और जब वो किसी के काबिल नहीं रहेंगे तो पता है किसके काबिल रहेंगे? किसके? मजाक उड़ाने की। और तब ये मंजू सिन्हा वाइफ ऑफ रंजन सिन्हा पीडब्ल्यूडी, वो अमृता जो उन सब बच्चन पर फूलती थी उसका मजाक उड़ाएगी, बहुत इतराती थी ना। ये अब जरा सब्जी भी काट ले। हाँ अरे उल्टा पकड़ ले। अरे हाय वीर जी, किताबों पे तो ना जैसे तुलसी जम गई है। हाय हाय वीर जी, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, सीरियस बात कर रही हूँ आपसे। पता जब से ये जैमी ने बच्चों को अपना मोबाइल दिखाया है ना, बच्चों ने तो किताबों को जैसे हाथ लगाना ही बंद कर दिया। जब देखो उसके मोबाइल से ही खेलते रहते हैं। तो भरजाई जी एक काम करते हैं, हम ना जैमी का घर में आना ही बैन कर देते हैं। कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। तो उसका मोबाइल बैन कर देते हैं। किस किस को बैन करेंगे वीर जी, बताओ मुझे। हैं समझाना तो हमें अपने बच्चों को ही पड़ेगा।